उससे बात करते हैं एनओएस डीएलएड वालों को क्या होगा। एनओएस से डीएलएड का कोर्स सबके लिए नहीं है। देख पर आरटीआई से किया पर्दाफाश, सूचना में सामने आई बात है कि एनओएस सिर्फ उन्हीं प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है जो पहले से सेवा में है। बात करें एनओएस यहाँ पे दोस्तों जो राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डीएलएड यहाँ पे 2 वर्ष यहाँ पे जो डिप्लोमा की एलिब्रेटेड एजुकेशन कोर्स के नाम पर नौकरी पाने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। वैसे बेरोजगारों को भी अब प्रशिक्षित शिक्षक के नाम पर इस कोर्स में नामांकन ले लिया गया है जो विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक नहीं थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देख पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि एनओएस से डीएलएड कोर्स मात्र सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए था, यानी जो किसी में कहीं पढ़ा रहे थे, किसी स्कूल टीचर्स थे। इस आधार पर सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। अगर आप कर भी लियो डीएलएड एनआईओएस से तो आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती। अगर आप मान लीजिए किसी भी अगर स्कूलिंग या किसी भी स्कूल से जुड़े हुए नहीं है, आप पढ़ा रहे थे तो नहीं। तो आरटीआई में यह बात सामने आई कि आलोक कुमार देखपर नाम के एक व्यक्ति हैं द्वारा पे मांगी गई जानकारी के में जवाब मिला कि 25 जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी देख पा रहे हो कि हवाले यहाँ पे जानकारी दी गई। आवेदक आलोक कुमार ने पूछा क्या था कि सरकारी विद्यालय में प्राइवेट स्कूल टीचर बनने के लिए एनआईओएस से डीएलएड कोर्स को मान्यता है कि नहीं। इसके जवाब में स्पष्ट किया गया है कि एनआईओएस सिर्फ उन्हीं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए हैं जो पहले से सेवा में हैं। बीएड कॉलेजों ने कहा अब एक बार दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम है। बीएड कॉलेज चलाने वाले कई प्रबंधों ने इस आरटीआई के सामने आने के बाद कहा है कि इस तरह एक फर्जीवाड़े पर तो रोक लगा। अब अभा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देख पर ये सभी कुछ यहाँ पर सभी लोग ध्यान अब दे रहे हैं। अब शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर देख पे फर्जीवाड़ा दोस्तों यहाँ पे हो रहा है। देख पा रहे हो नामांकन में फर्जीवाड़ा की शिकायत आई, यह बात उठती रही। ऐसे जो प्रसिद्ध शिक्षक के नाम पर डिग्री कोर्स में नामांकन ले लिया गया जो विद्यालयों में कार्यरत भी नहीं थे। वर्ष 2017 के एक आंकड़े के आधार पर सिर्फ बिहार के राष्ट्रीय विद्यालय एनआईओ से देख पा दोस्तों यहाँ पर बिहार के 285,000 शिक्षकों द्वारा अपना एनरोलमेंट कराने की बात कही है। देख पा दोस्तों यहाँ पे जो विद्यालय में कार्यरत भी नहीं थे उनका नामांकन हुआ। दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट है। 25 जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के है देखपुर हवाले से पर्दाफाश दोस्तों किया गया। दोस्तों ये थी फिलहाल अपडेट। वीडियो को लाइक करें, आगे उसके चैनल से बने रहें। तो फिलहाल आपने दोस्तों यहाँ पे देखा जो भी यहाँ पर शिक्षा अप्रशिक्षित यहाँ पे शिक्षक थे डीलेट किए हैं तो उनको तो वैलिड है नहीं। इसी प्रशिक्षित जो भी शिक्षक हैं वो वैलिड यहाँ पर हैं इस बात के बिहार के शिक्षक बहाली में।